तो माय डियर स्टूडेंट, ये है बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। जिन जिन भी स्टूडेंट की परीक्षा आने वाले दिनों में इंग्लिश की हैं, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है और प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आपको आज की इस वीडियो से पता चलेगा कि जो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश का पेपर आएगा वो कैसा आएगा, और उसमें जो क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो इस बार एग्ज़ाम में आने के चांस हैं, और वो सारे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, हर बार परीक्षा में आते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इस मॉडल पेपर के माध्यम से। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रूफ आपने देख लिया, बी ए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंग्लिश है, प्रश्न पत्र का नाम इंग्लिश प्रोजेक्ट राइटिंग है, इसके लिए समय 2 घंटे का मिलता, 75 का पूर्णांक होता। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनको अति लघु उत्तर हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि भैया कितने क्वेश्चन करना है और उसका उत्तर कितने वर्ड्स में आपको लिखना है, लिखा होता है आपको पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। तो वेरी शॉर्ट का पहला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है। जो जो मैं क्वेश्चन आपको टिक कराऊंगा, इनको ज़रूर आप तैयार करिएगा, ये आपके एग्जाम में रामबाण साबित होंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि राइट अ ब्रीफ सरोजनी नायडू कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि जो एक प्रमुख सरोजनी नायडू जी हैं, इनका क्या योगदान रहा है इंग्लिश साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में, इंडिया की जो इंग्लिश है, ठीक है, उसके क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि भारतीय इंग्लिश साहित्य में इनका क्या योगदान रहा है सरोजनी नायडू जी का, वो आपको ब्रीफ में लिखना है, यानी कि कम शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल है, कई बार रिपीटेड है, सरोजनी नायडू से जुड़े एक दो क्वेश्चन आते हैं हमेशा, तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेमोयर, तो मेमोयर का मतलब होता है संस्मरण, जो कि एक विधा है, ठीक है, आप पढ़ेंगे तो इसमें तो आपको जानकारी मिलेगी, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन ह्यूमर इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ एंड ऑल्सो मैंशन हु फेल सिक एंड विथ व्हाट डिसाइसिस, जिसको डिसिस यानी कि बीमारी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न ये है, ये क्वेश्चन नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी लास्ट लीफ, यानी कि जो एक स्टोरी है, एक कहानी जिसका नाम है द लास्ट लीफ, ठीक है, इसके रचनाकार यानी कि ऑथर कौन है, लेखक कौन है, उनका नाम लिखना है, ठीक है, एक हेल्पफुल क्वेश्चन है द लास्ट लीफ। वीडियो क्वेश्चन कई सारे आएंगे, ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि वेयर डज रवि हाइड इन द स्टोरी गेम्स एट ट्वाइलाइट्स बाई अनीता देसाई, तो अनीता देसाई की जो एक स्टोरी जिसका नाम गेम्स एट ट्वाइलाइट है, इससे जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर आर द चीफ बेनिफिट्स ऑफ स्टडी अकॉर्डिंग टू एसे ऑफ स्टडीज बाई फ्रांसिस बैकॉन, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक एसे है जिसका नाम है ऑफ स्टडीज, और ये जिन्होंने लिखा है निबंध उनका नाम है फ्रांसिस बैकॉन, ठीक है, इसके क्या बेनिफिट हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है, और काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है और कई बार रिपीटेड भी है, तो ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे भी, लेकिन पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जान लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन का उत्तर तैयार करना है, ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन का उत्तर नहीं तैयार करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको बताना है कि वो सारे क्वेश्चन ही तैयार करें जिनके आने की संभावना ज़्यादा है या फिर बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, तो वही क्वेश्चन तैयार करें। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ दी मैसेज ऑफ वुमेन इन दी स्पीच प्रोफेशंस ऑफ वुमेन बाई वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर सकते हैं, 90% उम्मीद है प्रश्न भी फंस सकता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको हिंदी में RTI बोलते हैं, ठीक है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन से मतलब कि इससे भी जुड़ा, राइट टू इन्फॉर्मेशन से जुड़ा भी क्वेश्चन कभी कदार आ जाता है, हमेशा नहीं आता, लेकिन 70% उम्मीद है प्रश्न फंस सकता है, ठीक है, ओके, तो आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा ही आएगा कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, यानी कि जब आप कुछ भी लिखते हैं किसी वेबसाइट के लिए, किसी ब्लॉग के लिए ऑनलाइन,
तो उसको कंटेंट राइटिंग लिखा जाता है, किसी को लेटर लिखते हैं, किसी के लिए आप मान लीजिए कोई काम करते हैं लिखने वाला ऑनलाइन माध्यम से, तो उसको कंटेंट राइटिंग कहा जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो ज़रूर इसके बारे में आपको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रामबाण।